आप देख रहे हैं खबर आपकी राजस्थान न्यूज चैनल। झालावाड़ जिले के गंगाधार उपखंड अधिकारी रामावतार मीना ने आज चौमहला के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। 10 अध्यापकों की नियुक्ति है, जिसमें से 7 उपस्थित मिले। 99 बच्चों का नामांकन है, 54 बच्चे मिले जो लगभग आधे है। निरीक्षण में 2 अध्यापिका कौशल्या पोसवाल व कंप्यूटर ऑपरेटर वीना कटारिया अनुपस्थित मिली, जबकि हाजिरी रजिस्टर में उपस्थिति दर्ज है, जिन्हें 17CC के अंतर्गत नोटिस दिया जाएगा। बच्चों द्वारा कौशल्या मैडम द्वारा अध्यापन कार्य ढंग से नहीं करने की शिकायत की कि वह जो पढ़ाई करवाती है हमें कुछ समझ नहीं आता है। विद्यालय में चल रहे निर्माण कार्य व मरम्मत कार्य में गुणवत्ता का विशेष रूप से ध्यान रखने के निर्देश दिए। बिस्तर, लॉकर, बुक सेल्फ व अध्यापन कक्ष में टेबल, चेयर, बोर्ड की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। नकारा पड़े सामान का शीघ्र निस्तारण करने के लिए कहा, जिसकी वजह से स्थान की कमी हो रही है। इसके साथ ही अध्यापन का स्तर निम्न पाए जाने पर उसे सुधारने में सहायक सामग्री, पोस्टर, चार्ट, ग्रीन बोर्ड, मैप आदि का उपयोग करने के लिए निर्देशित किया। व्यक्ति विकास हेतु व जनरल नॉलेज के लिए न्यूज़पेपर पढ़वाए। महापुरुषों, महिलाओं के व्यक्तित्व व जीवन परिचय भी दे। सप्ताह में एक दिन क्विज कॉम्पिटिशन की भी तैयारी करवाए। खबर आपकी राजस्थान से, आबिद हुसैन आनू की रिपोर्ट। इसमें 10 का स्टाफ है, 7% मिले इसमें और 2-3 टीचर बाहर गए हुए हैं और इसमें नामांकन है 99 का, तो 54% मिले हैं, तो लगभग आधे बच्चे हैं प्रजेंट। और यहाँ पर विशेषकर हमने बच्चों के अध्ययन अध्यापन से संबंधित जानकारी ली, तो बच्चों ने बताया कि कुछ सब्जेक्ट टीचर द्वारा अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता और उनकी कॉपी चेक करी हमने, कॉपी भी चेक की तो उनकी गृह कार्य भी प्रॉपर दिया हुआ नहीं था, जांच भी नहीं थी। और बच्चों का जो लेवल था विशेषकर SST में और इंग्लिश में बहुत कमज़ोर पाया गया, तो जो अध्यापिका है उनको 17CC चार्जशीट देंगे। शैक्षणिक स्तर ऊपर करने के लिए क्षेत्र में जो भी जहाँ भी स्कूलों में कमी पाई जाएगी, बच्चों के लेवल में जहाँ कमी है उसको उन्नत करने के लिए इन्होंने क्या विशेष प्रयास किए हैं, उसमें लापरवाही पाई जाएगी तो इनकी 17CC चार्जशीट देंगे और इनके 17CC में जो विभागीय नियम है उसके तहत जो भी कार्रवाई होनेगी उसको अंजाम पहुँचाएंगे। तो कोई भी अध्यापक अपनी एजुकेशन में लापरवाही नहीं करे। साथ में यहाँ पर जो नकारा सामान पड़ा हुआ है उसका निस्तारण नहीं किया गया है, तो इन्होंने ऊपर भिजवाया लेकिन समय लगता है तो बच्चों को जो उसमें हॉस्टल में रह रहे हैं अभी उनके स्पेस की कमी है, वहाँ उनके लिए लॉकर वगैरह की व्यवस्था नहीं कर पा रहे, तो ये इस हॉस्टल वार्डन को निर्देशित किया कि ऊपर अपने उच्च अधिकारी से बात करके नकारा सामान का शीघ्र निस्तारण करवाए। साथ ही जो अध्ययन अध्यापन है उसमें ऑडियो विजुअल कंटेंट को शामिल करें। स्मार्ट जो क्लासेज आजकल की कंटेंट मटेरियल अवेलेबल है स्माइल ग्रुप वगैरह पर, उसको भी यूज करें। जो ग्रीन बोर्ड है उसका भी ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें, पोस्टर चार्ट का यूज करें और मैपिंग वगैरह पे ध्यान दें। और प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ाएंगे तो बच्चों में अच्छा रुचि विकसित होगी, साथ ही में क्विज और कंपटीशन की भावना भी इनमें विकसित करें ताकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आगे जा करके इस क्षेत्र का नाम रोशन कर सकें।